के बर्तनों को भारतीय क्षेत्रीय कला के सबसे प्रतिष्ठित तत्वों में से एक माना जाता है। न केवल इसका इतिहास बल्कि इसके उत्तम सुंदरता और तात के विशेषताओं ने मिट्टी के बर्तनों भारतीय सजावट का एक आधुनिक रूप बना दिया है। भारत में मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है। हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और आज हमारे गांव का तीसरा दिन है। आज है 2nd of October, गांधी जयंती, ड्राई डे। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे एक हमारे घर के बाजू में एक पॉट मेकर है, तो वहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं। आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे वो जो मिट्टी के पॉट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग कैसी होती है, वो कैसे अपने हाथों से पॉट को एकदम शेप में लाके मार्केट में प्रोवाइड करते हैं। तो अभी चलते हैं पॉट मेकर के पास। एंड थैंक यू भाई फॉर हैंडलिंग द कैमरा। मैं, मेरा भाई और मेरे डैड आ गए थोड़े, और वो अंकल और वो यहाँ पे एक रहता है। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, दो मिनट का रास्ता है, चलते चलते पहुँच जाएंगे। गाड़ी कौन लेके जाएगा, कभी कभी चलना भी चाहिए, पैरों के लिए एक्सरसाइज के लिए अच्छा होता है। एंड हम लोग यहाँ पे पहुँच गए गिल्ली दे, एंड थोड़ी देर में हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। और मैं आपको दिखाऊँगा कि यहाँ पे पॉट्स कैसे बनते हैं मिट्टी के। आपल्याकडील कुंभार समाज हा मातीकामासाठी प्रसिद्ध आहे। सिंधुदुर्गातील पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मातीकामासाठी तुळसगाव प्रसिद्ध आहे, आणि त्या तुळसगावातील आपण आता कुंभारवाडीतील कुंभार कलेच्या कारखान्यात आलेलो आहोत। तिथे त्यांनी खास दिवाळी आली आहे, त्या दिवाळीसाठी आता आपल्याकडे हे खास पणत्या बनवल्या आहेत। पणत्यांचा सेट समयसारखा तो आता आपण समोर पाहतो आहे। त्यानंतर आता ही समोर भांडी आहेत, दिसत आहेत, ही खास मातीच्या भांड्यात जेवण बनवण्यासाठी मातीची भांडी बनवली आहेत। ही आता साधारण अर्धवट स्थितीत आहेत, ह्यानंतर ती पूर्णपणे भट्टीला लावून त्याची भांडी बनली जातील। आणि भट्टीला लावलेली भांड्यात मातीच्या भांड्यातील खास जेवण आपण याचा आस्वाद घेऊ शकता। आणि त्यासाठी मुद्दाम तुळसगावातील कुंभारवाडीतील कुंभार टेंबेतील शिवराम कुंभार, अजित कुंभार, संतोष कुंभार आणि आप्पा कुंभार हे ह्या कलेत माहिर आहेत, आणि त्यांच्या दुकानांना भेट देऊन आपण येथे खरेदी करू शकता आणि मातीच्या भांड्यातील जेवणाचा आस्वाद घेऊ शकता। हम लोग ने अभी वो जो हाथ से जो मार मार के बना रहे थे उसका वीडियो बनाया। एंड अभी हम लोग दूसरे यहाँ पे जा रहे हैं। जो आपने देखा ना, जो पॉट कैसे बनते हैं, वो एक क्या बोलते हैं, एक व्हील होता है, उसके ऊपर वो मिट्टी रखते हैं और उसको हाथ से शेप देते हैं। तो अभी हम लोग वो मेन चीज़ें वो देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे यही गलियों के अंदर से, गांव की गलियों के अंदर से हम लोग चलते 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 जा रहे हैं। Oh,
खुद के हाथों से बनाया, मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, अच्छा नहीं बना, मतलब वो भैया ने भी थोड़ी हेल्प की मुझे। दादा हाय बॉय, भैया ने भी मुझे हेल्प की। और हा आमचा पारंपरिक व्यवसाय आहे, आमचे आजोबा करायचे, वडील करतात, त्याच्यानंतर आम्ही बनवतो। ते लाकडा हाताने फिरवायच्या जागेवर करायचं, आता हे नवीन इलेक्ट्रिक जागेला त्याच्यावर आम्ही करतो। त्यांनी ट्रेनिंग घेतलं नव्हतं, ते त्यांचं पारंपरिक वेगळं। माती ही आपल्या जवळ गावातच आमच्या आहे, आणि फायरिंग भट्टी त्यामध्ये भाजावे लागतात, मार्केटमध्ये सेल करावे लागतात। दिवसाला किती बनवतात? दिवसाला म्हणजे ते कुटुंबाचा सहभाग असावा लागतो, एकटा व्यक्ती हे काम करू शकत नाही। त्याला माती मोलवणे, लाकडाची व्यवस्था करणे, ते वाळवून आत बाहेर ठेवणे, यासाठी पुऱ्या कुटुंबाचं सहकार्य लागणं महत्त्वाचं आहे। ते त्यामुळे एकाच अशी कमाई होत नाही, पण एक फॅमिलीने काम केलं तर व्यवस्थितप्रमाणे आपलं उदरनिर्वाह करू शकतो। ओके, तो गाइस देखा आपने की क्या क्या चीज़ लगती है ये एक मिट्टी का पॉट बनाने के लिए। हम देखते हैं वो मिट्टी का पॉट इतना सा होता है, लेकिन वो छोटू सा पॉट बनाने में भी कितना देर लगता है, आपने देखा ही होगा वीडियो में। जैसे कि और मुझे लगा था कि पहले आसान होगा, तो मैंने देखा करके, तो देखो फर्स्ट टाइम में से वो टूट गया, और फिर भाई ने मुझे हेल्प किया, एंड फिर मैंने वो उसको बना दिया। तो दादा मस्त, खूब चांगल, ओके ओके चांग। गाइज अगर आप यहाँ पे आओ तो इनके इधर आ सकते हो, एड्रेस सांगू शकतो इकडचा, तुळस तालुका वेंगुर्ला कुंभारटे, तुळस कुंभारटे, रुपेश कुंभार करके, तर तुम्ही या इथे। ओके चलो देखो, ऐसी सब चीज़ें मुंबई में देखने ही नहीं मिलती यार, ये गांव में सब कुछ देखने मिलता है। तो यार आई एम प्राउड ऑफ माई विलेज, बिकॉज मैं यहाँ पे, ये मेरा गांव है, सावंतवाड़ी मेरा गांव है, कोकण मेरा गांव है, आई एम प्राउड ऑफ इट। सॉरी यहाँ पे लाइटिंग कम है, बिकॉज हम लोग गलियों से जा रहे हैं अंदर। That's it for the travel vlog. This was the last and final episode of the travel series. So thank you so much for watching this video. Are yaar ye shank kaun baja raha hai? So namaste ruk gaya. So guys thank you so much for watching this video, thank you so much for watching this video, and if you enjoyed it, then make sure you leave a like, leave a comment, and make sure you share this video with your friends, family, girlfriend, boyfriend, share it everywhere, okay? Agar aap university se ho to yaar please share it in your university group, if you are in college student then please share to your college group, and yeah, matlab zyada se zyada share kijiye, apne bhai ki thodi influence badhaiye. So with that said guys, thank you so much for watching this video. So abhi main chalta hu, it's time to leave, and yeah, travel series is over. Thank you so much for supporting me in this travel series, and abhi aage jitne bhi vlogs aayenge usme bhi guys aap mujhe support kijiyega. Chalo milte hain abhi, I guess agle Wednesday or agle Sunday ya fir Thursday, I don't know, abhi tak mujhe ye nahi pata ki main yahan Virar mein rehke ya fir Mumbai mein rehke kya vlogs banaunga. तो आई नॉट डिसाइडेड येट, बट ठीक है, देखते हैं, मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, ज़्यादा हम गैप नहीं रखेंगे, जल्दी मिलेंगे। चलो अब बकवास नहीं करता मैं, ज़्यादा बकबक नहीं करता, अब मैं निकलता हूँ। चलो बाय गाइस।